फ्रेंड्स, मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप लोग ये लिख रहे हैं कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें मैंने आपको इंटरनेशनल वेबसाइट्स के बारे में बताया है जिनमें आप घर बैठ के एज ए फ्रीलांसर बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मुझे फ्रेंड्स आपके ऐसे कमेंट्स पढ़कर देखकर बहुत खुशी होती है। आप जितनी भी कमाई करते हैं पार्ट टाइम अपने घर बैठकर मेरी बताई हुई इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट से, वो सारी कमाई US डॉलर्स या पाउंड्स में होती है फ्रेंड्स, और वो सारी की सारी कमाई आपके पास PayPal इंटरनेशनल गेटवे के थ्रू आपके इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। अब फ्रेंड्स, PayPal में एक नया अपडेट आया है। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उसी अपडेट के बारे में है। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये लिखा था कि आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है PayPal में अकाउंट बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो PayPal के इसी अपडेट के बारे में है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं पिछले 25 सालों से एक HR रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग बड़ी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी बताई हुई जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जिनमें आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं अलग अलग तरह के, और उनसे आप डॉलर्स और पाउंड्स में एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मुद्दे की बात यह है कि ये सारा पैसा आपके इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में सुरक्षित पहुंचना चाहिए। और फ्रेंड्स, PayPal इस काम के लिए सबसे बढ़िया इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा और भी पेमेंट गेटवे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में PayPal उनमें सबसे बेस्ट है। ये पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे 100% रिलायबल है, और मैं आज इस वीडियो में आपको ये लाइव दिखाऊंगा कि मैंने एक PayPal का नया अकाउंट कैसे बनाया लाइव आपके सामने वीडियो में, और वो भी मोबाइल फोन के ऊपर, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने एक इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट को PayPal से अटैच कर दिया केवल 2-4-5 मिनट के अंदर मोबाइल फोन पे एक PayPal की ऐप में, ताकि आप जो भी कमाई इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स से करेंगे वो सारा का सारा पैसा सुरक्षित आपके अकाउंट में, आपकी मेहनत की कमाई आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल अर्निंग करने वाली फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बताया हुआ है, तो मैं उन वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 10-15-20 वीडियोस हैं फ्रेंड्स, आप जाके उन्हें देखिए। मैंने हर वीडियो में एक नई इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट के बारे में बताया हुआ है जिनसे घर बैठ के आप बहुत अच्छी खासी US डॉलर्स या पाउंड्स में कमाई कर सकते हैं, और उस कमाई को अपने घर से बैठकर अपने मोबाइल फोन से ही आप अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में 100% सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन रहता है आप लोगों को कि आप फुल टाइम जॉब या बिजनेस तो जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही कोई पार्ट टाइम इनकम का भी जरिया बना के रखिए, क्योंकि आजकल सिर्फ एक इनकम से गुजारा चलता नहीं है। आपको 2-3 रास्ते या जरिए इनकम के बना के रखने चाहिए, ताकि त्योहारों पे या कभी ज़रूरत हो तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम भी रहे, क्योंकि फ्रेंड्स बिना पैसों के कुछ भी नहीं है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पे ले जाकर दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप सिर्फ चंद मिनटों में PayPal का अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। अब हम ब्राउज़र में जाएंगे और PayPal बिजनेस खोलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताता चलूं फ्रेंड्स कि PayPal बिजनेस की ऐप है। जब आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएंगे PayPal पर, तो आप अपने मोबाइल फोन से बनाइएगा फ्रेंड्स। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी इसके बाद दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने मोबाइल फोन पर PayPal बिजनेस की ऐप को डाउनलोड करके उसमें आपने अकाउंट बनाना है। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैं PayPal बिजनेस का अकाउंट मोबाइल पर बनाकर आपको दिखाता हूं, तो PayPal की सिक्योरिटी की वजह से वो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको PayPal बिजनेस का अकाउंट अपने लैपटॉप पर बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है? लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप मोबाइल पर ही बनाइएगा, वो ज़्यादा आसान है। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये दिखा रहा है ज्वाइन PayPal टुडे फॉर फ्री,
ठीक है, ऊपर लिखा है पर्सनल अकाउंट, नीचे लिखा है बिजनेस अकाउंट। हमें बिजनेस अकाउंट बनाना है फ्रेंड्स। अगर आपको पूरी दुनिया से डॉलर्स या पाउंड्स में पैसा एक्सेप्ट करना है अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में, तो बिजनेस अकाउंट बनाना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, दो मिनट में बनता है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछ रहा है बिजनेस टाइप। ठीक है, तो ये देखकर आप घबराइएगा मत, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, आप भी वही डाल दीजिएगा। बिजनेस टाइप में आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है वर्क्स एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है पेमेंट प्लेटफॉर्म। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछ रहा है आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे लेना है ईमेल एड्रेस इनवॉइसिंग। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है पेमेंट प्रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, बोथ INR यानी इंडियन रुपीस एंड फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट, एंटर द ईमेल एड्रेस यू विल यूज टू साइन अप और लॉग इन। यहाँ पर आप अपना एक ईमेल एड्रेस डालिएगा फ्रेंड्स। ये मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप एक नया ईमेल एड्रेस बना लें। उस ईमेल एड्रेस को आप अपने मोबाइल फोन से जरूर अटैच करके या सिक्योर करके रखिएगा, जैसा कि जीमेल में होता है, क्योंकि पेपॉल पर कोई भी अकाउंट नंबर नहीं होता है फ्रेंड्स। पेपॉल में जो आप ये ईमेल आईडी डाल रहे हैं या मैं डाल रहा हूं, यही आपका या मेरा पेपॉल का अकाउंट नंबर है। ठीक है, और अभी मैं इसमें एक पासवर्ड डालूंगा, मेरा पेपॉल का अकाउंट मेरे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैं आपको एक लाइव नया पेपॉल बिजनेस अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं आपको एक नया पेपॉल बिजनेस का अकाउंट लाइव बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है टेल अस अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिजनेस टाइप में कुछ टाइप करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, आप भी यही ले लीजिएगा। अब उसके नीचे ये पूछ रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्रोफेशनल सर्विसेज। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज, आप भी यही डाल दीजिएगा। पर्पस कोड, देखिए ये सब चीज़ें देखकर आप घबराइएगा मत फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, ये इनकी छोटी छोटी सी फॉर्मेलिटीज हैं। अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पर्सनल पैन, जी हाँ, आपने अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले सकते हैं, भारत सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप लेना भी नहीं चाहते हैं और है भी नहीं, तो आप अपने किसी रिश्तेदार का, अपने पेरेंट्स का, भाई बहन किसी का भी यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं। लेकिन फिर आप ध्यान ये रखिएगा फ्रेंड्स कि फिर जो पैसा है वो उनके अकाउंट में आएगा और आपको उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो पैसा आपको दे दें या आप उनसे विड्रॉ करा लें। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने किसी रिश्तेदार का पैन नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, अकाउंट ज़रूर बना लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने जो पैन नंबर यहाँ डाला है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो नाम लिखा है, अगर आपका पैन नंबर है तो आपका नाम आएगा, या अगर आपने किसी और का पैन नंबर डाला है तो आप फिर वो नाम यहाँ पर लिखिएगा। नेम ऑन कार्ड स्टेटमेंट में आपने अपना नाम डालना है या जिनका पैन कार्ड है उनका नाम डालना है। उसके नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस URL, यानी अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, टेल अस अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपने अपना नाम और बाकी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट डालनी है फ्रेंड्स। यहाँ अब आपने वो नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड पर है। यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। लास्ट नेम में आप अपना सरनेम डाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनैलिटी ऑलरेडी इंडिया है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ डल चुकी है, अब हम अपना एड्रेस डाल देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपना परमानेंट एड्रेस यहां पर डालिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी एड्रेस हो सकता है आपका चेंज होता रहे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना पिन कोड डालेंगे, यहां पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर टाउन एंड सिटी मैंने न्यू दिल्ली ले लिया है, आपका जो टाउन एंड सिटी है वो आप यहां डालिएगा। स्टेट आप चूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली स्टेट चूज कर रहा हूं। नीचे आएंगे जहां बिजनेस इन्फॉर्मेशन लिखा है फ्रेंड्स, यहां आपने अपना फोन नंबर डालना है, अपना जेन्युइन पर्सनल फोन नंबर डालिएगा फ्रेंड्स। कई बार हो सकता है कोई इशू हो और उस कंडीशन में आपको फोन आए, तो आप यहां पर अपना पर्सनल जेन्युइन मोबाइल नंबर ही डालिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां नीचे हमसे ये पूछ रहा है कि आप किस करेंसी में जनरली पैसा एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इंडियन रुपीज सेलेक्ट करके रखिए, इसने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बिजनेस एड्रेस इज द सेम इज द होम एड्रेस, यहां ऑलरेडी क्लिक्ड है। अब मैं एग्री एंड कंटिन्यू कर रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी स्टेप्स हैं ये बिना एडिट किए आपको रिकॉर्डिंग करके अपने लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ,
ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप किसी वजह से मिस कर जाएं तो दोबारा से रिकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये सेटअप करीब करीब पूरा होने वाला है। अब देखिए सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लेट्स कन्फर्म यूर ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ये जो ईमेल एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पेपॉल पर आपका ईमेल एड्रेस ही फ्रेंड्स आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो पेपॉल हमारे उस ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब गो टू जीमेल पे क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक ईमेल आई है, उसको अब हम चेक करके देखेंगे और वहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भी खोलकर दिखा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ से एक पेपॉल से हमें एक मेल आई है, ठीक है, इसको हम खोलेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है सेट अप योर पेपॉल बिजनेस अकाउंट, ठीक है, और जहां नीचे लिखा है गेट स्टार्टेड नाउ, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब हम वहां पर क्लिक करते ही दोबारा से पेपॉल की साइट पर पहुंच चुके हैं। ये हम पेपॉल की साइट पर अपने ईमेल आईडी से पहुंचे हैं, जहां पर हमने अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूं, आपकी आंखों के सामने एक नया पेपॉल बिजनेस का अकाउंट बनाकर लाइव दिखा रहा हूं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। इसमें कहीं कुछ एडिट नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पेमेंट सेटअप है, यहां से पूछ रहा है हाउ डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट गेटिंग पेड, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट या विद ऑनलाइन इन्वॉइसिंग। अब हम ऑनलाइन इन्वॉइसिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा विद ऑनलाइन इन्वॉइसिंग सेटअप पे ऐड हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम अपना बैंक अकाउंट इस पेपॉल बिजनेस अकाउंट से अटैच करेंगे। आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स, उसी में पैसा आपके पास ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज टू फैसिलिटेट फंड विड्रॉल्स फ्रॉम पेपॉल टू योर लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना एक इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट, जो किसी भी बैंक में हो सकता है, चाहे वो इंडियन सरकारी बैंक है, चाहे वो इंडियन प्राइवेट बैंक है फ्रेंड्स, या कोई भी बैंक है, आप अपना बैंक अकाउंट इस पेपॉल बिजनेस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ लिंक का बैंक अकाउंट, यू विल नीड अ लिंक एंड कंफर्म योर बैंक अकाउंट बिफोर यू कैन रिसीव पेमेंट्स विद पेपॉल, वी विल ऑटोमेटिकली विड्रॉ द फंड्स इन योर पेपॉल अकाउंट टू दैट बैंक अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे IFSC कोड है फ्रेंड्स, आप जैसे जानते ही होंगे, जो आपका बैंक अकाउंट है आपको एक चेकबुक मिलती है फ्रेंड्स, आप चेकबुक में देखेंगे वहाँ IFSC कोड लिखा होता है, वो IFSC कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे फिर हमने अकाउंट नंबर डाल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक अकाउंट नंबर डाल दिया। अब फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे और लिंक योर बैंक पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपॉल की तरफ से एक और सेक्शन खुला है, जिसमें लिखा है रिक्वेस्ट डिपॉजिट्स टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट, इन ऑर्डर फॉर अस टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट वी विल नीड टू सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट्स टू योर बैंक। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अभी अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट पेपॉल के साथ अटैच किया है, पेपॉल अपनी तरफ से दो छोटी छोटी पेमेंट्स मेरे उस अकाउंट में भेजेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या वो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट करेक्ट है या नहीं, ठीक है। ये पेपॉल अपनी तरफ से भेजता है कोई छोटी मोटी अमाउंट। अब ये हमारी परमिशन मांग रहा है कि क्या भेज दूं, तो हम पेपॉल को ये परमिशन दे देंगे। रिक्वेस्ट डिपॉजिट्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू कैन नाउ रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क टू सेंड एंड रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स। आज का ये जो वीडियो था, ये इसी पर्पज से था कि आपके कमेंट्स आते थे कि हम इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो हमें पेमेंट कैसे आएगी, तो वो मैंने अब आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली कर दिखा दिया है फ्रेंड्स। अब मेरा ये इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट पेपॉल गेटवे के साथ अटैच हो चुका है और यहाँ पर कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पर्टिकुलर पेपॉल बिजनेस अकाउंट लाइव आपके सामने बनाकर दिखाया है, 100% अनएडिटेड है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो तो दोबारा से रिवाइंड कर देख लीजिए, अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। आप अब अपना पेपॉल का बिजनेस अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, और आप जो भी काम करेंगे इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर, जो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताता रहता हूं, अब आप अपनी कमाई सुरक्षित तरीके से अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में मंगा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर भी ले जाकर दिखा देता हूं कि आपने पेपॉल की
कौन सी ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, पेपाल की दो ऐप्स हैं, एक सिंपल पेपाल और दूसरी है पेपाल बिजनेस। जी हां फ्रेंड्स, पेपाल बिजनेस ये वो ऐप है जो आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करनी है और उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा आइडिया आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर लाने का सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पेपाल की ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आप ज़्यादा आसानी से पेपाल बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए मेरे मोबाइल फोन पे पेपाल बिजनेस लिखा है, आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है। पेपाल की दो ऐप्स हैं फ्रेंड्स, एक नॉर्मल पेपाल, एक पेपाल बिजनेस। देखिए फिर आपके कमेंट्स आने लगते हैं कि जी इस पर्टिकुलर ऐप में तो ये फैसिलिटी है ही नहीं। ये बेसिकली बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, जो पेपाल बिजनेस ऐप है सिर्फ और सिर्फ इसी ऐप के जरिए आप इंटरनेशनली पैसा अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेपाल का अकाउंट बनाते हैं तो आप पेमेंट भेज तो सकते हैं कहीं पर, लेकिन मंगा नहीं सकते। तो आपको पेपाल बिजनेस की ऐप ही डाउनलोड करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये खुल चुकी है, अब मैं इंस्टॉल करूँगा। फ्रेंड्स, पेपाल बिजनेस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया कि ये पर्टिकुलर ऐप कितनी आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। आपने सिर्फ ये करना है कि इस ऐप को जिसका नाम है पेपाल बिजनेस अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट इससे अटैच कर दीजिए और उसके बाद आप जितनी चाहे पेमेंट पूरी दुनिया से डॉलर्स या पाउंड्स में अपने इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में मंगाना शुरू कर दीजिए। एग्जैक्ट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ी देर पहले अपने लैपटॉप पर दिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बहुत आसानी से पेपाल का अकाउंट बन जाता है, बहुत ही आसान है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप ये चाहते थे कि मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊं और उसका वीडियो बनाकर लेकर आऊं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाया है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, मैंने काफ़ी वीडियोस इंटरनेशनल वेबसाइट्स के बारे में बनाए हुए हैं जो दुनिया की जानी मानी फ्रीलैंसिंग साइट्स हैं। हजारों लाखों लोग इन साइट्स पर जाकर अपने घर बैठकर पूरी दुनिया में कमाई करते हैं, आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं उन वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप जाके सभी वीडियोस देखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर लीजिए जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप वहाँ से कमाई करते हैं तो पेपॉल के ज़रिए सुरक्षित आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी फ्रीलैंसिंग या पार्ट टाइम इनकम के बारे में। अगर आप एक अच्छी फुल टाइम जॉब भी ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रही है, तो मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियोस इस बारे में भी बनाकर डाले हुए हैं कि किस तरह से मन मुताबिक बढ़िया से बढ़िया फुल टाइम जॉब जल्दी से जल्दी पा जाएं। मैं उन वीडियोस के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 5-7-10 ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जिनको फॉलो करके हजारों लोगों की नौकरियां लगी हैं। ये सारी ट्रिक्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपकी जेब से कुछ लगना नहीं है और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है और बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं फ्रेंड्स। आप इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए और उनमें दी हुई ट्रिक्स को जरूर फॉलो कर लीजिए, आपकी 100% जेन्युइन मन मुताबिक फुल टाइम जॉब भी ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन में लग जाएगी फ्रेंड्स। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।